तो की हाल चाल सबके, आशा करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। दोस्तों फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल गेमर नीलू पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल में नए आए गन क्यूबी Z95 के बारे में, जो कि हमें सैनोक मैप में दिखने को मिलता है और इसने जो इस कारेल को रिप्लेस किया हुआ है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इसका फुल ट्यूटोरियल देने वाला हूँ कि इसे हम कैसे सही तरीका से यूज कर सकते हैं, इसमें क्या क्या लगता है, क्या क्या अटैचमेंट हम लगा सकते हैं इसका सही तरीका से। वैसे कुछ अटैचमेंट तो है नहीं इसका, बस एक्सटेंडेड और ये मजल्स लगता है जो कि हमारा एयर सप्रेशर और ये वगैरह होता है। तो मैं आपको फुल ट्यूटोरियल दूंगा इस वीडियो में, इसे कैसे यूज कर सकते हैं, इसका फायर रेट कितना है और बाकी सब भी जितनी डिटेल है मैं सब इस वीडियो में देने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपका जो ये हमारा गन है ये सैनोक मैप में मिलने वाला है। ये AR असॉल्ट राइफल है हमारा क्यूबी Z95। इसमें 5.56 की एमओ लगती है जिसकी कैपेसिटी 30 होती है, जिसे हम एक्सटेंडेड मैग लगा के इसे बढ़ा भी सकते हैं और इसमें हम ये कंपनसेटर सप्रेशर वगैरह भी लगा सकते हैं। और इसके रिकॉयल के बारे में जब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसका रिकॉयल जो है ये शॉर्ट रेंज में बहुत ही अच्छा है, उतना भी कुछ खास नहीं है बट शॉर्ट रेंज में जैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं इजीली, बट ये लॉन्ग रेंज या मिडिल रेंज के लिए बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं यार, बेकार है यार, बहुत उछलती है गन, बहुत ऊपर नीचे जाती है। इससे अच्छा तो स्कारेल था। तो इसको मैं आपको सारा चीज़ में अभी करके दिखाऊंगा, तब तक हम इस गन के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो ये गन का जो हिट डैमेज है ये 43 हमें देने वाला है। इसका जो बुलेट स्पीड होने वाली है ये 870 मीटर पर सेकेंड की होने वाली है और इसका बॉडी हिट इम्पैक्ट 9000 की होने वाली है। और फायरिंग मोड की बात करें तो ये ऑटो फायर और सिंगल फायर हम दोनों मोड पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस या मिडिल में यूज करना चाहते हैं तो आप सिंगल फायर का यूज करें, और जब आप क्लोज रेंज में यूज करें तो ऑटो का यूज करें, ठीक है। तो इसकी रेयरिटी की बात करें तो ये हमें कॉमन गन है सैनोक मैप में, आप जैसे उतरोगे ये कहीं भी मिल जाती है यार। मैंने उतर के देखा, दो चार गेम खेला तो इतनी गन मिल गई कि क्या बोलूं। और इसका एमओ तो मैंने आपको बता दिया 5.56 की लगती है, कैपेसिटी भी बता दिया 30, इसको एक्सटेंडेड करके 40 कर सकते हैं हम लोग। और इसकी जो कैपेसिटी होने वाली है 500 होने वाली है। अटैचमेंट पॉइंट्स इसका 4 है और टाइप असॉल्ट राइफल, फायरिंग मोड ऑटो, फुल ऑटो मैंने बता दिया है। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जो पर डैमेज कैसा है, ठीक है। तो जैसा अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको जैसे लेवल 1 का कोई हेलमेट पहना है तो उसको कितनी डैमेज पहनेगी, नहीं पहना है तो उसको कितनी डैमेज पहनेगी पड़ेगी, और बाकी जो लेवल थ्री तक है तो उसको कितनी डैमेज पड़ने वाली है। तो जो अगर कोई बंदा आप हिट करते हैं और उसका वो कुछ भी नहीं पहना हुआ है, जैसे हेलमेट आर्मर कुछ नहीं पहना हुआ है, तो उसको जो ये डैमेज देगा ये 43 का देगा। और अगर वो लेवल 1 का हेलमेट पहना हुआ है तो 30.10 का डैमेज देगा, और लेवल 2 का अगर कोई पहना हुआ है तो उसे 25.80 का देगा, ये बॉडी डैमेज देगा, ठीक है। तो अगर लेवल 3 का कोई पहना हुआ है तो उसे सिर्फ 19.30 देगा, ठीक है। तो इसमें इसका यही है रूल। और जब हेडशॉट आप डैमेज दोगे किसी को, तो अगर किसी को हेडशॉट डैमेज दे रहे हो आप, तो ये अगर वो कुछ नहीं पहना है, कोई हेलमेट नहीं पहना हुआ है, तो उसका 101 डैमेज मिलेगा उसे। अगर उसने लेवल 1 का हेलमेट पहना हुआ है तो उसे 70 डैमेज मिलेगा। अगर उसने लेवल 2 का हेलमेट पहना हुआ है तो उसे 60 का डैमेज मिलेगा, 60.60 का। और अगर लेवल 3 का हेलमेट पहना हुआ है तो 45.40 का उसका डैमेज मिलेगा। और बॉडी डैमेज अगर वो 100 मीटर दूर हो, वो मैंने जो पहले बताया वो 10 मीटर की दूरी में बताया था, अगर वो बंदा आपसे 100 मीटर की दूरी में हो तो उसका जो बॉडी डैमेज होने वाला है वो लेवल 0 के में 41.30 का डैमेज होने वाला है। लेवल 1 का अगर हेलमेट पहना हुआ है या बॉडी आर्मर पहना हुआ है तो 28.90 का होने वाला है। लेवल 2 का अगर वो पहना हुआ है तो 24.70 का होने वाला है, और लेवल 3 का अगर पहना है तो 18.50 का होने वाला है। और हेडशॉट डैमेज अगर 100 मीटर में हम बात करें, तो अगर वो कुछ नहीं पहना है, मतलब हेडशॉट हेलमेट अगर वो उसने नहीं पहना हुआ है तो उसे 97 का डैमेज मिलने वाला है, और अगर लेवल 1 का पहना हुआ है तो उसे 67.90 का डैमेज मिलने वाला है। तो अगर लेवल 2 का उसने पहना है तो 58.20 का मिलने वाला है, और अगर लेवल 3 का पहना हुआ है तो 43.60 का डैमेज उसे मिलने वाला है। और अगर हम इसे स्कारेल से कंपेयर करें तो इसका भी लगभग सेम ही है, लेकिन इसमें जो ये लॉन्ग रेंज का डिस्टेंस और रिकॉयल मैंने वगैरह बताया ना, वो थोड़ा स्कारेल में बेटर है। तो इसमें मैं आपको एमिंग बोर्ड बताते रहूँ, स्कारेल का एमिंग बोर्ड 4 है, इसका भी लगभग सेम है, बाकी सब सेम ही है दोस्तों, बट इसमें थोड़ी सी चेंजेस वही है कि इसका रिकॉयल थोड़ा है और इसका जो फायरिंग मोड है ना वो थोड़ा आपको अजीब लगेगा सुनने में, अब एक बार ट्राई कर लेना खुद से इसका। वैसे बॉडी डैमेज वगैरह भी मैंने देखा है तो लगभग सेम ही है, इसमें हमें कोई भी अंतर नहीं मिलने वाली है। जो अंतर में मिलने वाली है उससे मैंने आपको बता दिया है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।